أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همذه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. حضرات ذی وقار، بھائیو، دوستو، بزرگو، پردے کے اندر بیٹھنے والی میری معززات، محترمات، اسلامی، روحانی، دینی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک کے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، جس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، شکل و صورت بنائی، پیدا فرمایا، فرشتوں کو بھی اور جن کو، ابلیس کو، اللہ نے حکم دیا کہ میرے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. قرآن کہتا ہے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہا اللہ میں تیری بات مان کے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ، عزت کا سجدہ نہیں کرنا.
आपने इसको मट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, तकब्बुर किया, गुरूर किया। फरमाया वकान मिनल काफिरीन, अल्लाह की ये बात ना मान के ये काफिरों में से हो गया। तो फिर जो आयत मैंने तिलावत की है, कहने लगा अल्लाह अब मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, अब अगर मैं जहन्नम में जाऊंगा तो तेरे इन बंदों को भी, अशरफुल मखलूकात जो इंसान है, इनको भी मैं अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा। और कहने लगा ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, मैं इनको गुमराह करने की कोशिश करूंगा, वरगलाऊंगा, अपने हथकंडे इस्तेमाल करूंगा इनके दाएं से, बाएं से, आगे से और पीछे से। वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू इनको ज्यादातर अपना नशुकरा ही पाएगा, बहुत कम होंगे जो तेरा शुक्र करेंगे। और इसीलिए नबी पाक ने फरमाया फिर इसके सबको वरगलाने के, अपने जाल में फंसाने के तरीके, हथकंडे अलहदा अलहदा हैं। जो है नमाजी उसको इसने अलग तरीके से वरगलाना है, जो बंदा कुरान पाक की तिलावत करने वाला है अलग वार उस पर करना है, जो बंदा दकेत है, जानी है या शराबी है, उसको वरगलाने के और अपने जाल में फंसाने के इस बदबख्त के तरीके और हैं। फिर ये उम्मते मुहम्मदिया का फर्द इसके जाल में जब फंसता है, फिर कहा जाए कि यार ये गुनाह है, तुमने ये गुनाह किया, तो अब यकीन जानिए कि वो हैरान होके तजस्सुस के साथ पूछता है यार क्या ये भी गुनाह है। मैं वही आज चंद एक वक्त को अपने मलहूजे खातिर रखते हुए कोई चंद 10 से 13 गुनाह आपके सामने बयान करने की जिसारत और कोशिश करूंगा। आप दुआ कीजिए अल्लाह बयान करने में आसानी पैदा फरमाए और फिर अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की और ये पैगाम आम करने की, लोगों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। वो कौन से ऐसे गुनाह हैं कि जिनको इंसान गुनाह ही नहीं समझता, इस शैतान के हथकंडे और जाल। सबसे पहला, सही बुखारी के अंदर हदीस पाक है 1829 हदीस का नंबर है और सही मुस्लिम के अंदर 2862 नंबर है। आपने फरमाया खम्सुम मिनद दवाबी कुल्लुहुन्न फवासिक यक्तुलन फिल हिल्ल वल हरम। नबी पाक ने फरमाया 5 दवाब कहते हैं छुपाए को, जानवर को। फरमाया 5 किस्म के ऐसे हैं कि जिनको तुम अगर हरम की हदूद में हो तो एक तिनका भी तोड़ना गुनाह है, गिरी पड़ी चीज उठाना गुनाह है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, बैसो मुबासा करना गुनाह है। फरमाया अगर हरम हो उसकी हदूद के अंदर भी इन 5 फासिक जानवरों को कत्ल कर दिया जाए, अगर हरम की हदूद से बाहर हो फिर भी इनको कत्ल कर दिया जाए। 5 किस्म के जानवर। सबसे पहला हदीस बुखारी और मुस्लिम, नबी पाक ने फरमाया जो कौवा है, नंबर 2 चील, नंबर 3 फरमाया सांप, नंबर 4 चूहिया, नंबर 5 अल कल्बुल उकूर, फरमाया काला कुत्ता। ये 5 जानवर हरम में हो या गैर हरम में इनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अब देखिए गुनाह किधर शैतान करवाता है। ये बड़ा तैयार होकर अपने घर से निकला ऑफिस के लिए, अपने कारोबार के लिए, जाते जाते इसने क्या कि आप देखते होंगे नहर के किनारे, सड़क के किनारे वो छिछड़े लेके एक आदमी खड़ा होगा, इसने क्या कहा जी अपने सर से 7 दफा वार, सदका अपना ब्लाइंड डालता जा और इन जानवरों को डाल दे। जानवरों को डालना चाहिए, सवाब का काम है। नबी पाक ने फरमाया जैसे इंसानों का ख्याल रखना जरूरी है, जानवरों का भी ख्याल रखना, परिंदों का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन उसको डाल रहा है जिसको नबी पाक ने कत्ल करने का हुक्म फरमाया। कव्वा उसके अंदर है। एक सहाबी रसूल ने सवाल किया महबूब पैगंबर ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। फरमाया मैं भी जानता हूं अल्लाह की मखलूक है, लेकिन ये शरारती जानवर है, शरारती, जो इंसानों को इजा पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, उनको जिंदा रहने का कोई अल्लाह का रसूल हक देता ही नहीं है। कहा ये झपट के इंसान के हाथ से कोई चीज ले जाता है, तकलीफ पहुंचाता है, सांप हो, कव्वा हो, चील हो, चूहिया हो, और 5वां काला कुत्ता। इसने उधर गुनाह कर दिया, सवाए बजाय सदके के सवाब लेने के इस बंदे ने जाते हुए गुनाह किया। दूसरा ऐसा शैतान का हथकंडा जिसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। आप देखें इसके अंदर जिसको अल्लाह बचाए इल्ला माशा अल्लाह, अदरवाइज हर मकतबे फिक्र का कोई हो, दोस्त, अहबाब, आलिम दीन ही क्यों ना हो, इस मेरे ख्याल से गुनाह के अंदर सारे ही शामिल हो चुके हैं। कॉल की जाए, पूछा जाए,
भाई कितनी देर है, कितनी देर में आ, बस जी 5 मिनट के अंदर। इसको पता है कि डिस्टेंस जो हमारा अभी मुसाफत रास्ता है ना, वो 20 मिनट का, 25 मिनट का है, 30 मिनट का है। कहता की कीता जा यार, उन्होंने भी तो उन तसली देनी सी ना, 5 मिनट कह के 25-30 मिनट का रास्ता है, वो बेचारा इंतजार में बैठा है। नबी पाक ने फरमाया इंसान के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि ये झूठ बोलता रहता है, बोलता रहता है, बिल आखिर अल्लाह के कागजात में, अल्लाह के सामने ये बंदा कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, झूठा लिख दिया जाता है। ये छोटे छोटे गुनाह जिनको हम समझते ही नहीं है। फिर एक हदीस आई, मैसेज आया, उसका कोई हवाला नहीं। किसी ने कह दिया ये सैयदना अली अल मुर्तजा का कौल है, किसी ने कह दिया हदीस मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई तस्दीक नहीं। हमने अपने हर जिंदगी के शोबे के अंदर तस्दीक की, अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करना है उसकी तस्दीक और वेरिफिकेशन की, कोई बात हो जाए उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन क्या दीन ही इतना रह गया है नाऊज़ु बिल्लाह कि उसकी कोई तस्दीक नहीं। नबी पाक की हदीस आई, बस ये आपका हुक्म आया, आपका ख्वाब के अंदर दीदार हुआ और नबी पाक ने फरमाया जी 100 बंदों को ये सेंड कर दो, फलां महीने की मुबारकबाद दे दो, तो तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। भला इतनी इतनी बातों से जन्नत वाजिब होने लगे तो फिर सारे जन्नती हैं? इसकी वेरिफिकेशन कीजिए। आपने फरमाया कफा बिल मरई कदिबन अन युहदिसा बिकुल्ली मा समिया, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है जो बात वो सुने उसको आगे आम करता जाए। ऐसा नहीं करना, अब तो ऐसे ऐसे ऐप्स आ गई हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है, इस्लाम 360 हो या अल कुतुब उत्तिसा एक है प्ले स्टोर पे, ऐसे आप करके उसके अंदर से वेरिफिकेशन करें, कोई हदीस का नंबर है वो उधर वेरिफिकेशन करें, उसको सर्च करें क्या ये हदीस है भी है या नहीं, अथेंटिक भी है या नहीं, स्टेटस इसका कैसा है। नबी पाक की तालीमात, आपने फरमाया जो मेरे पे ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं कही, मैं आपके सामने कह दूं जो नऊज़ बिल्लाह नबी पाक की हदीस है और हदीस उसको ही ना हो, फरमाया जिसने ऐसी बात कह दी फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना आग समझे, जहन्नम समझे। हम इसको सवाब का काम समझ के करते हैं। वेरिफिकेशन कीजिए, अगर किसी से बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसे टाइम बताएं, भाई इतने टाइम में इंशाल्लाह तुम्हारे पास। ये छोटी छोटी बातों की वजह से झूठ है जिसको हम झूठ समझते ही नहीं है। तीसरा गुना, मर्द और औरत का इख्तिलात। अब देखा जाए बेटी है जी, बाप घर नहीं, भाई घर नहीं जी, अपने कारोबार पे हैं, बाहर गए हैं, बस बेटा तू ऊबर करा और चली जा, ड्राइवर के साथ चली जा, फलां कजन के साथ चली जा। मेरे भाइयों गौर कीजिएगा, इतना संगीन जुर्म, सख्त गुनाह जिसको गुनाह समझा ही नहीं जाता, ये शैतान का एक ऐसा चाल और वार है। नबी पाक की हदीस सही बुखारी के अंदर है, फरमाया ला यखलुअन्ना रजुलुम बिमरातिन इल्ला काना सालिसहुमा शैतान। मेरा आपसे सवाल है, आपके और मेरे पीरो मुर्शद जिनसे जन्नत का इफ्तिताह होना है, फरमाया मैं मुझसे पहले अगर आदम अलैहि सलाम हमारे बाप, फरमाया वो चले जाएं जन्नत को दस्तक दे जन्नत के दरवाजे पे, अंदर से आवाज आएगी मन कौन, अगर वो कहें आना आदम, फरमाया जन्नत का दरवाजा खुल ही नहीं सकता। यूनुस चले जाए अलैहिस्सलाम, और कोई भी नबी चला जाए, कोई वली पीर फकीर कोई आलिम दीन बड़े से बड़ा चला जाए, फरमाया जन्नत का दरवाजा नहीं खुलना। अल्लाह ने वो दरबान को कह दिया जब तुम्हारे कान में आवाज डले ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दरवाजा खोलना। वो नबी पाक, आपसे मेरा सवाल है, किसकी मर्जी से बोलते हैं? अल्लाह की मर्जी से। इन हुआ इल्ला वहयू युहा, वो महबूब का ऐलान। फरमाया ला यखलुवन्ना रजुलुम बिमरातिन इल्ला काना सालिसहुमा शैतान, सही बुखारी। फरमाया ये याद रख लो, हर किस अलैदगी इख्तियार ना करे, ला यखलू वन्ना, ये लाए नहीं, ये भी तकीद का और नून तकीद सकीला। फरमाया ला यखलू वन्ना रजुलुम बिमरातिन, हर किस अलैदगी इख्तियार ना करे मर्द और औरत, इल्ला काना सालिसहुमा शैतान, अगर ये गैर महरम है तो इनका तीसरा शैतान होगा। मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें तंबीह करके जा रहा हूं। अब देख लें, एक ही गाड़ी है, शीशे भी बंद है और फिर दरवाजे भी बंद है, वही ड्राइवर के साथ हमारी बच्ची भी है, वही ड्राइवर के साथ हमारी बीवी भी है, एक गैर महरम जिसको हम जानते भी नहीं उबर का ड्राइवर, उसके साथ हमारी बेटी भी है, और एक डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए घंटी बजती है, अंदर अलैदगी में अपनी बच्ची को या अपनी बहन को या अपनी बेटी को भेज दिया जाता है, एक ऑफिस के अंदर एक ही
मर्द है उसकी असिस्टेंट अपनी बेटी को बना दिया जाता है, बिल्कुल इसके हम खिलाफ नहीं, होनी चाहिए तालीम भी। लेकिन मेरे भाइयों, अगर नबी पाक की सुन्नत को छोड़ा जाए, आपके फरमान को छोड़ा जाए, तो फिर ये बच्ची गुजरात की जिसके साथ रेप हुआ और उसका फिर अबॉर्शन भी हुआ और फिर वो फोत भी हुई, फिर ऐसे केसेस ही आने हैं कि एक गुजरात के अंदर और अपनी बेटी को लाहौर में अकेली को भेजा हुआ है, फिर कोई पता नहीं किससे मिल रही है किससे नहीं मिल रही। नबी पाक ने फरमाया तीसरा शैतान है, और फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवर के बारे क्या ख्याल है, शोहर का भाई? फरमाया अल्हम्वुल मौत, हदीसे मुस्तफा, फरमाया देवर तो मौत है। कैसे मौत है? एक मैं आपको वाकया सुनाता हूं। शेख अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी और तमाम उलमाए हक्का की ही हिफाजत फरमाए, दारुस्सलाम आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल, उसके डायरेक्टर हैं अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह, सऊदी अरब में मुकीम है। उनकी एक किताब है मेरे सफरनामे, वो बड़ा सफर करते रहते हैं, उनको शौक है, और उन्होंने एक किताब अपनी लिखी है मेरे सफरनामे, अब भी आपको उर्दू बाजार से मिल सकती है। मेरे भाइयों गौर कीजिएगा, मेरी बहनें भी गौर करें, वो उसके अंदर एक वाकया बड़ा अजीब व गरीब नकल करते हैं। कहते हैं मैं सऊदीया के अंदर था, रात का वक्त है, मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को रोका, हाथ दिया, उसने गाड़ी रोकी, मैंने कहा यार मैंने फलां जगह पर जाना है, मुझे उतार दे, मैं बैठ गया इसके साथ। अब इसने अपनी टैक्सी चलाना स्टार्ट की तो मैंने इसे सवाल किया, मैंने कहा यार अपनी जिंदगी का ना कोई मुझे अनोखा सा अजीबोगरीब वाकया सुना जो तेरी जिंदगी के अंदर रूनुमा हुआ हो। अब आपकी हदीस ज़हन में रखनी है कि मर्द और औरत अलहदा ना हो, देवर भी मौत है, उससे भी पर्दा किया जाए। कहने लगा हजरत अगर आपने सवाल कर ही लिया तो फिर सुनिए मेरी आप बीती, मेरी जिंदगी का एक अजीबोगरीब और रुला देने वाला वाकया। वो क्या है कि रात के वक्त मैं सऊदीया में टैक्सी चला रहा था अपनी गाड़ी, एक औरत ने हाथ दिया, मैंने इंसानियत के नाते गाड़ी अपनी रोकी, ब्रेक लगाई, इसने कहा जी मेरा डिलीवरी का मसला है, मुझे हॉस्पिटल उतार दे। मैंने इसको बिठा लिया, हॉस्पिटल में उतारा तो उनका एक उसूल है, उन्होंने कहा अपना एक कामा अपना आईडी कार्ड वगैरह हमें दे, ये औरत जो है इसका तो डिलीवरी का मसला है। मैंने अपना नंबर लिखवाया, सारा कुछ लिखवा के मैंने इसको एडमिट करवा के घर आ गया। कहता है कि तीन रात के बजे या चार बजे मुझे कॉल आ गई हॉस्पिटल से कि मुबारक हो अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है। कहता मैंने कहा जी मेरा नहीं है, मैंने तो इंसानियत के नाते इसको हॉस्पिटल में बस उतारा है, लिफ्ट दी है, इस तरह मेरा बेटा नहीं। उन्होंने कहा जी हमारा उसूल है तुझे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, अदरवाइज हम तेरे खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। कहते मैंने ना हो ना तो देखा, मैंने गाड़ी को फिर स्टार्ट किया, हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने कहा मुबारक हो बेटा तेरा। मैंने कहा जी मेरा, मैं इसरार मैं कह रहा हूं नहीं है, वो इसरार कर रहे हैं तेरा ही बेटा है। बिल आखिर बात इधर खत्म हुई जी, चलो जी डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। डीएनए टेस्ट करवाया गया, घंटे के बाद रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा तू सही कहता है, तेरे अंदर तो बेटा पैदा करने की सलाहियत ही नहीं है, तू बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। कहता जब मैंने इतनी बात सुनी मेरे पांव तेरे जमीन निकल गई, मैं हंसू भी रोऊं भी, मैंने कहा यार मेरे तो सात बच्चे हैं, मेरे अंदर कैसे इस्तेदात और ताकत नहीं बच्चा पैदा करने की। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने दिमाग पकड़ा, मैं सीधा घर आया, रात के चार पांच बजे का टाइम है, मैंने अपनी बीवी को बालों से पकड़ा, उठा लिया, डंडा भी पकड़ा, मैंने कहा सच बता ये सात बच्चे किसके हैं। मेरे भाइयों गौर कीजिएगा, नबी पाक की हदीस रब्बे इज्जत की कसम कभी गलत हो ही नहीं सकती। कहने लगे मेरी बीवी परेशान हो और बस तुम्हारे ही हैं तुम्हारे ही। मैंने कहा जल्दी बता नहीं तो आज तू खत्म। जब मैंने उससे डराया धमकाया मारा, उसने कहा फिर सुन, तू रात के वक्त टैक्सी चलाने निकल जाता था, ये सात के सात बच्चे तेरे भाई के हैं। अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह मेरे सफरनामे, उनकी किताब के अंदर ये वाकया मौजूद है। मैंने सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा बिल्कुल नबी पाक ने सही फरमाया था, अल्हम्वुल मौत देवर भी मौत है, और एक मेरा भाई घर में हो वो मौत है, और एक चेजा बाहर का इंसान उसके साथ हमारी बेटी मिले भी जाए भी सफर भी करे, फिर हमारा क्या बनेगा? संगीन तरीन जुर्म संगीन गुना नबी पाक ने फरमाया। आप हैरान होंगे नबी पाक की हदीस अबू दाऊद के अंदर है, मैंने खुद पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने एक सहाबी रसूल तशरीफ फरमाए हैं, नबी पाक की लिस्ट बना रहे हैं और आपसे सवाल हुआ कि अफजल आमाल कौन से हैं, फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, उसके अंदर एक जिहाद भी है अल्लाह के रास्ते के अंदर करना। यह सहाबी रसूल का नाम लिख दिया गया जिहाद के अंदर। तो आपने फरमाया मर्द और औरत अलहदा ना हो, तीसरा उनका शैतान होगा। जब ये बात सुनी तो ये सहाबी रसूल कहने लगे महबूब आपने मुझे फलां फलां जंग के अंदर मेरा नाम लिख दिया है,
मैंने जिहाद करने जाना है, लेकिन मेरी बीवी तो अकेली हज करने के लिए चली गई। हज इतना अफसल तरीन अमल, और इधर जिहाद करने के लिए ये शख्स जाने वाला है। आपने फरमाया इसका नाम काट दो। क्या कर दो? इसका नाम काट दो। या रसूलल्लाह मैंने जिहाद करना है, मेरा शौक है। फरमाया नहीं, ऐसे जिहाद की जरूरत नहीं है कि तेरी बीवी अकेली सफर करे और तू जिहाद में जाए। नहीं हो सकता। जिहाद को छोड़ दे और जाके उसके साथ सफर कर, अपनी बीवी को अकेले सफर करने ना देना। मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें तंबीह करके जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिहाद को रुकवा दिया, ये जुर्म। इसके बाद चौथा गुनाह जिसको नहीं समझा जाता, मेरी बहनें भी गौर करें, यह उनसे रिलेटेड है। और किसी बात पे गुस्सा ना कीजिएगा, खुदारा ये कुरान और हदीस की बातें हैं और हम इधर इस्लाह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैयदना बिलाल सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब औरतों को वाज करते, सैयद आयशा फरमाती है मैंने खुद सुना और देखा कि औरतें इस तरह रोती थी चीखे मार के। आपने फरमाया मैंने तुम्हारी कसरत जहन्नम में देखी है। वजह क्या है? फरमाया तुम्हारे एक माँ के अंदर मखसूस अय्याम होते हैं, नमाजों से दूर रहती हो, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने कम आती हो, नेकियां कम करती हो। मैंने जहन्नम के अंदर कसरत औरतों की देखी है, चीखें औरतों ने मारी। फिर आपने फरमाया मैं तुम्हें नेकियां बताता हूं, वो नेकियां करो और इन गुनाहों से बचो, तुम मेरे साथ जन्नत के अंदर होगी। ये देखिए गुनाह, मेरे ख्याल नाकस इलम के मुताबिक को तकरीबन 90-95% औरतें, बहन बेटियां इस गुनाह में मुलव्वस हैं। सुनन नसाई की हदीस 5129 हदीस का नंबर नोट कीजिए। आपने फरमाया मेरे भाइयों, वो महबूब जो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जिसके ऊपर ओजरी फेंकी गई या सताया गया, तकलीफ दी गई, फिर भी कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह इनको हदायत दे दे, ये जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। किसी के लिए कभी बद्दुआ या बुरा लफ्ज नहीं बोला, लेकिन ये उम्मते मुहम्मदिया की फर्द, एक औरत जो आपका कलमा पढ़ने वाली है, इसको आपने 3 मरतबा फरमाया जानिया जानिया जानिया। हमारी बहन बेटी को कह के देखे तो फिर अपनी इज्जत करवा ले हमसे, हमारी बेटी को कहे जानिया, हम बर्दाश्त करेंगे भाई? और वो कैसी बदकिस्मत है कि जिसको महबूब पैगंबर 3 मरतबा कहते हैं ये जानिया है, जानिया है, जानिया है। फरमाया जो औरत खुशबू लगाए, खुशबू लगा के फिर कौम के पास से, लोगों के पास से गुजरे, फमर्रत अला कौमिन लियजिदू मिन रीहा, और वो इसकी खुशबू को स्मेल करते हैं, कमाल की खुशबू है। आपने फरमाया इसने इतना सा जुर्म किया है, खुशबू लगा के बाहर गुजरी और इसकी खुशबू गैर महरम मर्दों ने सूंघी, फहिया जानियतुन, ये जितनी मर्जी कहे मैंने अपनी इज्जत बचा ली, घर पहुंच गई। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह नबूवत वाली जुबान से कहता है ये औरत जानिया है, बचा लीजिए। हाँ, उलमा ने इजाजत दी है, औरतों के अंदर ही आप घंटा 2 घंटे रहना, खुशबू लगा सकती हैं, अदरवाइज औरत अपने मर्द जो शोहर है उसके सामने भी लगा सकती है, बाहर निकलते हुए खुशबू नहीं लगानी। अगर कोई लगाती थी मेरी बहन, आज तोबा कर ले, नहीं तो जो जानिया है वो जन्नत के अंदर कैसे जा सकती है। इसी से रिलेटेड दूसरा गुनाह, आपने फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलवासिला वलमुस्तौसिला वलवाशिमा वलमुस्तौशिमा, अल्लाह के रसूल की उन औरतों पर लानत है जो नील बरवाती हैं अपने चेहरे में, और फरमाया इसके साथ साथ जो अपनी आईब्रो, ये पलकें हम कहते हैं इनको आईब्रो, फरमाया ये बनाती हैं, उन पर अल्लाह के रसूल की लानत है। अब क्या किया जाए? अब्दुल्ला बिन मसूद इस हदीस के रावी हैं, और मेरे भाइयों मेरी बहनों, कौन अब्दुल्ला बिन मसूद के, जिनके मुतालिक आपने फरमाया जो चाहता है वो कुरान इस तरह पढ़े और इस तरह सुने कि जिस तरह आसमान से अल्लाह ने मोहम्मद के सीने पे नाजिल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे से अभी अब्दुल्ला बिन मसूद से सुन ले, ये एज इट इज उसी तरह कुरान पढ़ता है जैसे आसमान से अल्लाह ने मेरे सीने पर नाजिल फरमाया है। यह हदीस बयान की अब्दुल्ला बिन मसूद ने, एक औरत मजमे में से खड़ी हो गई, कहती है तूने ये हदीस बयान की है कि आईब्रो बनाने वाली, पलके बनाने वाली, उस पर अल्लाह के रसूल की लानत है, तो तेरी तो बीवी खुद ज़ैनब बनाती है पलके। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं इधर ही हूं, जाओ मेरे घर 2 औरतें ले जाओ, अगर मेरी बीवी ये काम करती हुई पलके बनाती हुई तो मैं अभी उसको तलाक देता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद के बिस्तर पर वो औरत नहीं रह सकती जिस पर काली कमली वाली मुस्तफा ने लानत की है। अगर किया आज ही अल्लाह से मुआफी मांगिए, शुक्र कीजिए अल्लाह ने हमें यह मोहलत दी, टाइम दिया,
छोड़ दीजिए ये काम। उलमा ने इतनी इजाजत जरूर दी है कि अगर कोई मूछों के बाल हैं या दाढ़ी के हैं, अलामा इब्ने बाज का फतवा सबसे ऊपर है, ये बंदा करवा सकता है, क्योंकि मर्दों से मुशाहबत ना हो औरत की, ये करवाने की इजाजत है। इसके अलावा अगर आप अपने चेहरे के या पलकों के बाल बनाएंगी तो महबूब पैगंबर की लानत की मुस्तहिक हो जाएंगी। अल्लाह हमारी बहन बेटियों को इन गुनाहों से महफूज फरमाए। इसके बाद पांचवा गुनाह, इसके अंदर भी अगर औरतों को छोड़ दिया जाए तो मर्दों की तरफ आ जाए मेरे भाइयों की तरफ, इतना संगीन जुर्म हो चुका है, हर आम और खास बंदा हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन आप देखेंगे उसके हाथ में भी धागा है, कड़ा है, छल्ला है, तवीज है। कहा जाए जी चक्कर आते हैं, मैं तुम्हें एक छल्ला ले आके, एक तवीज ले आके दांगा, सूरत रहमान पढ़ के फूक मार के पाई रखो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होएगा। फलां बीमारी है जी, छल्ला मिलता जे वो पा लो सही, इंशाल्लाह सारी बीमारी दूर। ये छल्ला धागा अगर कड़ा ये बीमारी दूर करने पे है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत किस लिए है? फरमाया वइदा मरिस्तु फहुवा यशफीन, बीमार भी अल्लाह करता और शिफा भी कौन देता है? अल्लाह। आपकी हदीस सिलसिला हदीस सहीहा के अंदर इमाम अल्बानी इसको सही कहते हैं, 2818 हदीस का नंबर, आपने फरमाया मन तअल्लक तमीमतन फकद अशरक, जिसने तवीज धागा लटकाया उसने शिरक किया। शिरक करने वाला भला जन्नत के अंदर जा सकता है? मेरे भाइयों बताइए। फरमाया मैं युशरिक बिल्ला फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जिस भी शख्स ने शिरक किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया और जन्नत जन्नम को वाजिब कर दिया है, ये बंदा कभी जन्नत में नहीं जा सकता। और जिसने ये दागा कड़ा छल्ला तवीज पहना, फरमाया उसने भी शिरक किया है। एक नौजवान शख्स नबी पाक के सामने आया, सहाबी रसूल है, मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अल्बानी इस हदीस को हसन कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस को नकल करते हैं। इसने भी हमारी तरह हमारे नौजवानों की तरह ना एक छल्ला पहना था, एक तवीज लटकाया, आपने फरमाया किस लिए है जवान, ये किसके लिए पहना है? अर्ज करता महबूब फलां फलां बीमारी है, उससे बचने के लिए मैंने ये पहना है। आपकी पशीन गोई सुन ले मेरे भाइयों, आपने फरमाया अगर यही पहने हुए तुझे मौत आ गई ना तो मैं नबूवत वाली जुबान से कहता हूं अल्लाह तेरी दुनिया और आखरत दोनों को बर्बाद करके रख देगा, तू तो सीधा जहन्नम के अंदर जाएगा। इसलिए ये बचाने पे कादिर नहीं, बचाने पे कादिर सिर्फ अल्लाह। इसके बाद आइए ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ। ये शैतान था जब इसने सजदा नहीं किया, कहने लगा अल्लाह मैं तो जहन्नम में अब जाना ही जाना है, मैं तेरे बंदों को भी जहन्नम में लेके जाऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, इन पे वार करूंगा और इनको अपने साथ जहन्नम के अंदर लेके जाऊंगा और ऐसे गुनाह सरजद करवाऊंगा कि जिनका इनको इलम भी नहीं होगा, शऊर भी नहीं होगा। इससे आगे आइए छठा गुनाह। अब आपने गौर करना है, तवज्जो करनी है, इस पे छोटे भी बड़े भी सारे शामिल हैं इल्ला माशा अल्लाह। फिर मैं कहता हूं नबी पाक की हदीस, फरमाया मा असफला मिनल काबैनी फफिन नार, जितना तुम्हारा तयबन तुम्हारी पेंट हो, तुम्हारा ट्राउजर हो, तुम्हारी शलवार हो, फरमाया जितनी वो टखनों से नीचे होंगी वो जहन्नम के अंदर होगी। मा असफला मिनल काबैन, जितनी नीचे होगी टखनों से, फफिन नार, वो किधर होगी? जहन्नम के अंदर। अल्लाह के रसूल की पशीन गोई। और इसके बाद इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इसकी विसासत से ये हदीस भी सुन लें, हम तो अपनी इस्लाह करने के लिए आए हैं। नबी पाक ने फरमाया सही मुस्लिम के अंदर, थलाथतुन, तीन अशखास हैं, फरमाया ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, क़यामत वाले दिन अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा, ऐसे गंदे बदतरीन शख्स हैं ये, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, वला यंज़ुरु इलैहिम, उनकी तरफ देखना पसंद भी नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनको पाक करके जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा ही नहीं, वला हुम अज़ाबुन अलीम, फरमाया और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा, ना अल्लाह देखेगा, ना कलाम करेगा, ना इनको पाक करेगा, और इनके लिए कौन सा अज़ाब है? दर्दनाक तरीन अज़ाब है। वो तीन शख्स कौन से हैं? सही मुस्लिम की रवायत, फरमाया अल मुस्बिलुल इज़ार, सबसे पहला बंदा जो अपनी शलवार जवान हो या बूढ़ा हो टखनों से नीचे रखता है, फरमाया उसकी तरफ अल्लाह नजर रहमत से नहीं देखेगा और सख्त तरीन अजाब उसके लिए होगा। दूसरा बंदा फरमाया अलमन्नान, किसी पे एहसान किया, किसी के साथ नेकी की और जगह जगह पे उसको जितलाया, फलां वक्त तेरे काम नहीं सा आया, हजे भी तुम इन गल्ला सुनाना है, मैं तेरा वो काम नहीं सिखाया, फरमाया इसने काम नेकी करके और उसको जितलाता है। तीसरा शख्स फरमाया कसम खा के अपना सौदा बेचता है,
ये ग्लास मैंने, भाई तू कैसे कहता है 70 का देना, ये 100 का दे, मैं आप खरीद आई। वो मेरी बात पे यकीन कर गया, कसम मैंने खाई है, उसने मुझे 120 दे दिया, हालांकि ये मैंने 50 का खरीदा हुआ था। फरमाया जिसने कसम खा के अपना सौदा बेचा, झूठी कसम खा के, हालांकि इतने का खरीदा भी नहीं था, ये शख्स की तरफ ना अल्लाह देखेगा, ना इसको पाक करेगा, और ना इसके लिए जन्नत है, इसके लिए दर्दनाक तरीन अजाब क़यामत वाले दिन अल्लाह ने तैयार कर रखा है। दाढ़ी रखना ना रखना ये अलहदा टॉपिक है, लेकिन आज भाई आप वादा करें कि हम आज के बाद अगर कुताही थी तो इंशाल्लाह आज के बाद हमारी शलवार टखनों से ऊपर रहेगी इंशाल्लाह, करते हैं वादा इंशाल्लाह। नबी पाक की बस सुन्नत के अब यकीन करें मुखालिफत, आप जाएंगे शॉपिंग मॉल, औरतों के ऊपर नजर आएगी, मर्दों के नीचे नजर आएगी। औरतों को हुक्म था आपने अपने टखने छुपा के रखने, नंगे नहीं करने, लेकिन उधर वो उल्ट हो गया नबी पाक का फरमान के, हर बात में मुखालिफत। आगे आइए इसके बाद सातवां गुना, जिसको गुना नहीं समझा जाता, इंसान समझता ही नहीं, आप हैरान होंगे। ओलेक्स खोल लिया जाए, या आप सोशल मीडिया यूज करने वाले हैं, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप उसको यूज करें और देखें, ओलेक्स के ऊपर आपको कुत्ते का और बिल्ली का कारोबार नजर आएगा। खरीदो फरोख्त हो रही है, नुतफा भी बेचा जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या नाम है, जर्मन शेफर्ड और ये वो नाम रखे हुए हैं, उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है और गिफ्ट दिए जा रहे हैं। नबी पाक की हदीस सही बुखारी के अंदर आपने फरमाया कुत्ता रखना सिर्फ 3 वजूहात की वजह से जायज है। कितनी वजह? 3 वजूहात। आपने फरमाया माल की हिफाजत करवानी हो, रख लिया जाए, अपनी फसल की हिफाजत करनी हो या घर की, रखना जायज है। तीसरा आपने फरमाया शिकार के लिए कुत्ता रखना जायज है। इन 3 वजूहात के अलावा जिस शख्स ने कुत्ता रखा अपने शौक की वजह से, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत, सही बुखारी के अंदर हदीस है, फरमाया अल्लाह डेली की बेसिस पे उसके नामा आमाल में से उसका ओहद पहाड़ के बराबर नेकियों को खत्म कर देता है। एनिया नेकियां भाई हमारी हैं ही नहीं। ओहद पहाड़ 13 किलोमीटर के फासले पे मुहीत फैला हुआ है, 13 किलोमीटर। फरमाया इतनी नेकियां कुत्ता रखने की वजह से, शौक की वजह से, एक दिन अल्लाह नेकियां खत्म कर देता है, कुत्ता नहीं रखना। फिर आगे नबी पाक की हदीस नंबर नोट कीजिए, सही मुस्लिम 1559, 1559 रवायत, आपने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन थमनिल कल्बी वस्सिनौरी, आपने कुत्ते की और बिल्ली को फरोख्त करके उनकी कीमत खाने से मना फरमाया, और फरमाया थमनुल कल्बी खबीसुन, जिसने कुत्ता और बिल्ली बेच के उसकी कीमत खाई, इसने हराम खबीस की कमाई खाई। और ये कारोबार बड़ा उरूज पे है, आप देख लें, ये गुनाह ऐसा है शैतान करवाता है जिसका हमें पता ही नहीं। आगे आइए आठवां गुना, इब्ने माजा के अंदर हदीस है 1563 नंबर, तिर्मिजी के अंदर 1052 हदीस का नंबर है, आप इस पर भी गौर कीजिए मेरे भाइयों। नहा रसूलुल्लाह अन युजस्सल क़ब्र व अन युबना अलैहि व अन युक़अद अलैहि व अन युक्तब अलैहि व अन युसरज अलैहि, नबी पाक की हदीस इब्ने माजा और सुनन तिर्मिजी के अंदर मौजूद है, मैंने हवाला बता दिया आपको। आपने कब्र को पुख्ता करने से, कब्र पे मुजावर बन के बैठने से, कब्र पे वही युक्ताबा अलैहि लिखने से मना फरमाया। ये गुनाह ऐसे कोई मकतबे फिक्र का लिहाज नहीं, अहले हदीस भी इसमें शामिल, देवबंदी भाई भी इसमें शामिल, हमारे बरेलवी मकतबे फिक्र के कुछ दोस्त भी इसमें शामिल। लिख दिया गया जी मियाँ फलाम इन्नी तरीख नु फोत हुए जे, सन की सी, विलादत की सी, पैदाइश, सारा कुछ लिख दिया गया, कब फोत हुए, कितने बजे हुए, सब कुछ लिख दिया गया। आपकी सुन्नत की मुखालिफत, आपकी हदीस की, नहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने तो मना किया था। आप हदीस सुनिए, उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के सहाबी हैं, और इतने किस्मत वाले सहाबी के जो फोत हुए, नबी पाक ने इनका जनाजा पढ़ाया, सहाबा ने पीछे जनाजा पढ़ा और आमीन कहा, और हदीस में है कब्बल नबी उस्मान बिन मज़ऊन, नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत वाले होंठों से उस्मान बिन मज़ऊन के माथे मुबारक का बोसा लिया। सहाबा इकराम कहते हैं हम हैरान हुए, और हम इतना रश किया इस पे उस्मान पे, हमने कहा काश आज ये फोत होने वाला उस्मान ना होता बल्कि हम होते, जिसका जनाजा नबी पाक ने पढ़ाया और जिसको बोसा दिया, चूमा नबी पाक ने। आपने उनको जब लहद में उतारा, मट्टी डाली, नबी पाक ने फरमाया यार वो पत्थर पड़ा है वो उठा के लाओ, मुझे अपने सहाबी उस्मान अपने भाई की कब्र को याद रखना है, मैं इस पे पत्थर रखना चाहता हूँ निशानी के तौर पर। सहाबी गया,
उठाया पत्थर नहीं उठाया गया या रसूल नहीं उठाया गया, वजनी है। नबी पाक ने इस तरह हदीस में है, अपने बाजू ऊपर किए, आप गए, आपने पत्थर उठाया, अपने हाथ मुबारक से लाके कब्र पे रखा। फरमाया लोगों सुन लो, कब्र पे लिखना, तख्ती लगाना अल्लाह का रसूल मना करके जा रहा है। अगर कब्र की याद दहानी करनी है ना, तो इस पर पत्थर रख दो या कोई पौधा वगैरह लगा दो, ये जायज है। इसके अलावा इस पर लिखने से अल्लाह का रसूल मना करता है। अगर कोई है मिटा दीजिए, ये ना हो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हुए अपने मुर्दे को और अपने आप को कब्र के अजाब में ना मुबतला कर लें। गुनाह ऐसा है जिसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। आगे आइए दसवां नौवां गुनाह, इसके अंदर भी माजरत के साथ, दीनदार हो तब भी शामिल, कोई बेदीन हो तब भी शामिल। सही बुखारी की हदीस है, 4826 नंबर है। आपने फरमाया अल्लाह कहता है आदम के बेटे ने, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी वो हदीस है कि जिसको बयान अल्लाह के रसूल करें और वो एज इट इज अल्फाज वगैरह अल्लाह के हों, वही अल्फाज नबी पाक उम्मत के सामने बयान कर दें, अल्लाह के अल्फाज, हदीस कुदसी। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है आदम के बेटे ने मुझे गाली दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह को गाली। अब हैरान होंगे अल्लाह को गाली कैसे दी गई। फरमाया इसने जमाने को बुरा कहा, वानदार, मैं ही जमाना हूं। हदीस के अल्फाज, इसने जमाने को बुरा कहा, किस तरह कहा? ब्लैक डे, फलां को ये हो गया मसला जी, आज योमे स्याह है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तो दिन को रोशन किया था, तेरे लिए सूरज को निकाला, तेरे लिए सारी जहान का अल्लाह ने निजाम रखा, दिन को रोशन बनाया, तूने उसको कैसे स्याह कह दिया? स्याह दिन है, योमे स्याह, ब्लैक डे, इसको कहना ये भी गुनाह के जुमरे में है, उलमा के फतावे मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, गम किया जाए, रोना भी जायज है, नबी पाक खुद रोए। सैयदना इब्राहिम आपके हाथों में आपका लखते जिगर बेटा है, मारिया किबतिया के बतन में से पैदा होने वाला, आपने इसको गुर्ती दी और ये 18 माह की उम्र में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फतुल बारी के अंदर लिखते हैं सही बुखारी की शरह के अंदर कि ये इब्राहिम 18 माह की उम्र में फोत हुए, आप रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। फरमाया सहाबा मैं अब भी अपनी नबूत वाली निगाह से देखता हूँ इसकी 2 साल दूध की मुद्दत को, जन्नत के अंदर जन्नत की दाइयाँ दूध पिला के पूरा कर रही हैं। मेरा बेटा इब्राहिम रो रहे हैं, एक सहाबी रसूल का सवाल आ गया, आका हमें तो मना करते हैं, खुद रो रहे हैं। आपने फरमाया वैन करना, रोना, नोहा करना ये हराम और मना है, आंखों पे इख्तियार किसी का नहीं, ये तो नरमी की वजह से आंखों से आंसू आ गए हैं, रोना जायज है। लेकिन योमे स्याह कहना, अल्लाह के दिन को बुरा कहना, ये बिल्कुल जायज नहीं, हराम का काम है और गुनाह का काम है। अल्लाह हमें इन गुनाहों से महफूज फरमाए। आगे दो गुनाह की मैं बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। इसके बाद वो फिर ऐसा गुनाह, मेरे भाइयों गौर कीजिए, जिसको फिर हम गुनाह ही नहीं समझते। ये एडवांस बैलेंस लिया, 20-25-30 रुपए बैलेंस आ गया एडवांस, अब फिर उसकी कटौती होगी और फिर वो कैसे होगी? 30 एडवांस लिया था, कितने काटे जाएंगे? 35-36-37 इतने के करीब। ये सूद है। आपने फरमाया पैसों के बदले पूरे पूरे पैसे लेन देन करना ये जायज है, सूद नहीं है। पैसे दे के उसके बदले ज्यादा पैसे लेना ये सूद है। और आपकी हदीस लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम के अंदर 1598 रवायत का नंबर, लाना रसूलुल्लाह आकिलर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै व क़ालहुम सिवा। फरमाया सूद, एक रुपया देने वाला, लेने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला और उसकी गवाही देने वाला, फरमाया सारे गुनाह में बराबर है और सूद का गुनाह कितना है? नबी पाक ने तबरानी शरीफ के अंदर अथेंटिक रवायत, आपने फरमाया एक बंदे ने सूद का सिर्फ रुपया खाया, भाइयों बोलिए कितना? रुपया से क्या हो जाना है, सूद का सिर्फ रुपया। और फरमाया एक तरफ बंदे ने एक मर्तबा नहीं, दो तीन चार 36 मर्तबा जना किया, ये 36 मर्तबा जना का गुनाह छोटा है, सूद का रुपया खाना इससे भी बड़ा गुनाह है, संगीन तरीन जुर्म जिसको समझा ही नहीं जाता। इब्ने माजा की रवायत 2274, आपने फरमाया अर रिबा सबून जुस आ, सबून कहते हैं 70 को, 70। फरमाया सूद के 70 स्टेप, 70 दर्जे, 70 सीढ़ियां हैं, आई सारोहा अयन की हर राजुल उम्मा। और फरमाया जिसने सूद का सिर्फ रुपया खाया, सिर्फ रुपया, वो इस तरह समझे उसने अपनी जनने वाली मां से जना किया है, अपनी मां से जना किया इसने जिसने सूद का रुपया खाया। ये एडवांस बैलेंस ये सूद के जुमरे में है, 30 देके हम 36 वापस करते हैं। इसके अलावा आप देखें शादी ब्याह आ जाए या कोई खुशी का फंक्शन,
बैंक में गया, अगर अप्रोच नहीं है तो फिर जी 1000 रुपए दे, 10-10 वाले नोट नवे चाहिए ने। वो कहते हैं जी 1100 रुपया दे दो। 1000 नोट लेने के लिए हम कितने दे रहे हैं? 1100। ये 100 ऊपर आप दे रहे हैं, ये क्या है? ये भी सूद है। इसके अलावा गिरवी का कारोबार आ जाए, ये भी सूद है। उलमा के फतावे मौजूद है, गिरवी का कारोबार 5 लाख एडवांस दे दिया, साल की कमिटमेंट हो गई। अब उधर जो किराया चल रहा है कॉलोनी के अंदर, स्कीम के अंदर या कहीं भी, वो है 10,000 रुपया 5 मरले का बिल फर्ज। लेकिन ये कितने देता है? सिर्फ 3,000-2,000 रुपया। मेरे भाई, अगर साल के बाद तू उनसे 5 लाख में से वापस लेता, 380 रह जाना था 10,000 के अगर बदले किया जाए, तो तू 5 का 5 वापस ले रहा है, ये 1 20 इजाफा हो गया, ये क्या है? ये भी सूद है। गिरवी का कारोबार अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। इसके अलावा एडवांस बैलेंस हो या कुछ ऐसा नए नोटों की कापी लेना, यह सारा सूद है, अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। इसके अलावा 11वां गुना, अब जुम्मे की इतनी फजीलत है, अल्लाह हमें जुम्मा टाइम पे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इतनी फजीलत, नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे ने, हदीस है मुस्लिम की हदीस है, फरमाया अल जुमातु मिन अल जुमाती कफारतुल लिमा बैनहुमा व फज़्लि सलासति अय्याम। फरमाया जिसने सिर्फ जुम्मा टाइम पे खतीब के जाने से पहले मस्जिद में बैठा हुआ, इसने ध्यान से खुतबा आधा घंटा सुना और फिर नमाज पढ़ के घर आ गया ना, फरमाया एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक और अगले 3 दिन के गुनाह, 10 दिन के गुनाह अल्लाह इसकी जुम्मे की बरकत से मुआफ फरमा देता है। अबू दाऊद की हदीस एक और, नबी पाक ने फरमाया जो जुम्मा पढ़ने गया वुजू करके घर से पैदल, शर्त है घर से वुजू किया, आखिरी बात इंशाल्लाह, घर से वुजू करके पैदल गया। अब आप इतना दीन प्यारा, इस्लाम प्यारा, अबू दाऊद की हदीस, फरमाया ये घर से पैदल निकला है ना वुजू करके, दाएं एक एक कदम के बदले अल्लाह इसको जुमा पढ़ने जा रहा है, एक एक दाएं कदम के बदले अल्लाह इसको एक एक साल के रोजों का सवाब अता फरमा देता है। पहला कदम उठाया 1 साल दे रोजे, दूजा तीजा 50 कदम उठा के गए, 50 साल के रोजों का सवाब। अब ये दाया कदम है, एक कदम बच गया, कौन सा? बाया। फरमाया अब इस बाया कदम भी उठा रहा है, अल्लाह इसके बाएं एक एक कदम के बदले इसको एक एक साल की तहज्जुद की नमाज का सवाब अता फरमा देता है। हवाले का जिम्मेदार, हदीस के सही होने का मैं जिम्मेदार। ये जुम्मा इतनी फजीलत, लेकिन अब गुनाह होने लगा, वो किस तरह? आपने फरमाया जुम्मा पढ़ने आया, आया भी लेट, यहां तो आना नहीं सी, फरमाया जुम्मा लेट आया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, लोगों की गर्दने फलांगता आगे आता आता खदीब के पास बैठ गया। फरमाया ये खुश ना हो के मैं आगे आगे बैठा हूं, बल्कि मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने ये जो फलांगी है ना गर्दने, इसने गर्दने नहीं फलांगी बल्कि जहन्नम की तरफ अपना पुल सीधा किया है। इतना संगीन जुर्म, नबी पाक की हदीस, अल्लाह हमें इन सब गुनाहों से, छोटे हों बड़े हों, ज़ाहरी हों बातनी हों, पोशीदा हो या एलानिया हो, अल्लाह हमें इन तमाम गुनाहों से महफूज फरमाए। पहला गुनाह मैं आपके सामने खुलासा सा बयान करता हूं। नबी पाक ने फरमाया अगर कोई बंदा सदका करता है, बड़ी अच्छी बात है, अपनी छत पे भी रख दे, लेकिन कौवों को और चीलों को डालता है, ये उसने सदका नहीं किया बल्कि गुनाह किया है, आपने इनको कत्ल करने का, मारने का हिल में और हरम में हुक्म दिया है। दूसरी बात, अगर किसी से बात करें तो बिल्कुल सीधी बात उसे बताएं, भाई मैं 5 मिनट में आपके पास हूं या 10 मिनट में, अगर ये कहा जाए आधे घंटे की मुसाफत पे 5 मिनट में आपके पास, ये भी गुनाह है। इसके अलावा कोई हदीस आए, कोई कौल आए सैयदना अली अल मुर्तजा या किसी भी सहाबी रसूल का या नेक बंदे का, उसकी वेरिफिकेशन करके फिर आगे उसको ट्रांसफर करें, फॉरवर्ड करें। फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे ना, मेरे पर कोई ऐसी बात मनसूब की जो मैंने नहीं कही, वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। तीसरी बात, मर्द और औरत का इख्तलात, इनको अलहदा ना होने दीजिए, इनका ख्याल रखिए। नबी पाक ने फरमाया जो अलहदा होंगे तीसरा उनका शैतान होगा जो उनको गुनाह पे उबारेगा। चौथा गुनाह, औरत खुशबू लगा के अगर बाहर निकले तो फरमाया वो जानिया है, और जन्नत की खुशबू मुस्लिम के अंदर है, 70 साल की मुसाफत पर फैली होगी। फरमाया ये जन्नत में जाना तो दूर की बात, ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। इसके बाद 5वां गुनाह, अगर औरत अपनी ये आईब्रो पलकें वगैरह बनाती है तो नबी पाक ने फरमाया ये संगीन तरीन जुर्म है, ऐसी औरतों पे अल्लाह के रसूल की लानत है। 5वां गुनाह, ये दागा कड़ा छल्ला तावीज़ पहनना, जिसने पहना उसने शिरक किया, और आपने फरमाया अगर आप उतरवा दें अपने बेटे का, कज़न का, दोस्त का, तो एक इब्ने उमर के शागिर्द हैं अब्दुल्ला बिन उमर के, नाफे रज़ी रहिमहुल्ला, वो कहते हैं इब्ने उमर फरमाते थे जिसने किसी का कड़ा छल्ला धागा तवीज उतरवा दिया ना, उसको कायल करके नबी पाक की हदीस सुना के अल्लाह इसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा।
छेटा गुना शलवार अपनी टखनों से नीचे रखना। मेरे भाई वो जवान भी बैठे हैं और आपसे भी वादा है कि इंशाल्लाह आज के बाद हमने शलवार या पेंट टखनों से नीचे नहीं रखनी इंशाअल्लाह। फरमाया जितनी नीचे होगी उतनी जहन्नम के अंदर होगी। उसके अलावा कुत्ते का बिल्ली का कारोबार करना, नुतफा बेचना, ये हराम का काम है। फरमाया सामनुल कल्बी खबीसुन। इसके बाद कब्र पर तख्ती लगाना, लिखना उस पर, या मुजावर बन के बैठना, या कब्र अपनी पक्की बनाना, नहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इसे मना किया। इब्ने माजा और तिर्मिजी के अंदर हदीस है। इसके बाद गुनाह कि कोई ऐसा मसला पेश आ गया जो हमें नापसंद है, हम उस दिन को योम स्याह कह देते हैं, गंदा दिन, मनूस दिन, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं कहना। फरमाया आदम के बेटे ने मुझे गाली निकाली, इसने ज़माने को बुरा कहा, मैं ही ज़माना था, इसने ज़माने को नहीं बल्कि अल्लाह को बुरा कहा है। इसके बाद एडवांस बैलेंस, ये भी सूद है। गिरवी का कारोबार, ये भी सूद है। उलमा के फतावे मौजूद हैं। और इसके अलावा नई नोटों की कापी लेते हुए पैसे ऊपर देना, ये भी सूद है, ये गुनाह है। और सूद जैसे अपनी पैदा करने वाली माँ से बंदा जना करता है। आखिरी जुम्मे के अंदर बंदा आता है और गर्दने फलांग के अगर आगे आएगा तो नबी पाक ने फरमाया ये गुनाह है, इसने सवाब का काम नहीं किया बल्कि जहन्नम की तरफ अपना रास्ता सीधा किया और हमवार किया है। अल्लाह हमें इन गुनाहों से महफूज फरमाए और ये पैगाम रायगाना जाए बल्कि अल्लाह हमें ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।